हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 15 चैप्टर डिजास्टर्स एंड रेस्क्यू, यानी कि डिजास्टर जो प्रॉब्लम्स आती है, नेचुरल प्रॉब्लम्स, उससे कैसे कौन सी होती है और उसे उसमें से हम कैसे बचे और कैसे फेस करें उस प्रॉब्लम को, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज हम वही चैप्टर टेक्स्ट बुक में कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 112। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। जयपुर वॉज अ स्मॉल विलेज, जयपुर एक छोटा सा गांव था। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड तेजल, वहाँ पे एक तेजल नाम की लड़की रहती थी। सी वेरी मच लाइक टू साइकिल, उसे साइकिल बहुत ही पसंद थी। इट वॉज संडे, उस दिन संडे था। तेजल साइकिल टूवर्ड द बाजार, और वो साइकिल लेके बाजार में गई थी। वाइल रिटर्निंग, वो और जब वो रिटर्न हो रही थी, सी शो सम चिल्ड्रंस प्लेइंग क्रिकेट, जब वो रिटर्न हो रही थी बाजार से, तो तब उसने देखा कि कितने सारे सम चिल्ड्रंस वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। सी लॉस्ट हर अटेंशन एंड हैड अ माइनर एक्सीडेंट विथ अ ट्रक कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, और उसका जो ध्यान था, अटेंशन था, वो खो गया। उसका ध्यान प्ले जो खेल रहे थे बच्चे क्रिकेट, उसमें चला गया और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया कि सामने से एक ट्रक आ रही थी अपोजिट साइड से और उससे वो टकरा गई। दिस एक्सीडेंट कॉज अ फ्यूरर इन जयपुर, और ये जयपुर में हुआ था। तेजल हैड इंजरी इन हर हेड, और तेजल को उसके हेड में छोटी बहुत इंजरी हुई थी। सी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10 डेज, और उसे 10 डेज तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि उसके हेड में इंजरीज होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हेड की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें आसान से थोड़ी बहुत सिंपल में नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसे 10 डेज तक हॉस्पिटल में रखा गया। इसलिए हमें हर टाइम, अगर हम कोई भी व्हीकल चला रहे हो, बाइसिकल है, स्कूटर है, एक्टिवा है, तो हमें ध्यान हमारा पूरा का पूरा हम जो जिस व्हीकल में उस पे रहना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं, अटेंशन हमारा जाता है तो हम बोलते हैं ना, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ऐसा होता है। इसलिए हमें ध्यान हर टाइम हम जो काम हम कर रहे हैं उस पे ही रहना चाहिए। अगर हम दूसरी जगह पे देखने जाएंगे तो हम एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। और क्या हुआ, इसे तेजल को तो इतना बड़ा इंजरी नहीं हुई, बट इससे क्या पता, आप अभी सुन नहीं रहे हो कि एक्सीडेंट से कितने सारे लोग मर जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रख के हमारा व्हीकल चलाना चाहिए। तो ये भी एक क्या हुआ, डिजास्टर ही है। जनरली एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द मिस्टेक और ब्लंडर ऑफ अ पर्सन, जनरली जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई वजह से, मिस्टेक तो उसमें जो पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उसकी ही होती है। इन सच एक्सीडेंट्स और कुछ सारे एक्सीडेंट्स, वन और मोर पीपल सफर लॉसेस, और कुछ सारे एक्सीडेंट्स में एक से ज़्यादा लोगों की जाने जाती है, या तो ज़्यादा सफ़र करने पड़ते हैं ज़्यादा लोगों को। यहाँ पे उसका क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, क्या आपने डिजास्टर के बारे में सुना है, क्या देखा है और क्या एक्सपीरियंस किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, वर्कबुक में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सम पिक्चर्स दिए हुए हैं जो एक्सीडेंट, यानी कि जो नेचुरली नहीं बट पर्सन के थ्रू की हो जाते हैं, उसमें आपको ब्लू कलर फिल करना है। और जो डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर जो नेचुरली प्रॉब्लम्स होती है, नेचुरल कोई भी हम पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसे डिजास्टर कहते हैं, तो उसमें येलो कलर करना है। तो इसमें फर्स्ट है जिसमें एक लड़की सब्जी काट रही है और उसका हैंड फिंगर कट जाती है, तो ये क्या हुआ, ये एक पर्सन के थ्रू हुआ, तो ये एक एक्सीडेंट है। और यहाँ पे जंगल में, फॉरेस्ट में आग जल जाती है, आग लगती है, तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर आएगा, सॉरी येलो आएगा, यहाँ पे ब्लू आएगा। और यहाँ पे काइट की वजह से, यानी कि पर्सन की वजह से हो रहा है, तो ये एक एक्सीडेंट है, तो यहाँ पे ब्लू कलर आएगा। वैसे ही यहाँ पे ये भी गिर जा रहा है, जो बनाना की जो पिल होते हैं, पिल के ऊपर पैर आने से गिर जाता है, तो ये भी एक एक्सीडेंट हुआ, ये एक डिजास्टर है फ्लोरिडाना, और ये भी एक डिजास्टर है क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। तो ये तीनों के अंदर ब्लू कलर आएगा और ये तीनों के अंदर येलो कलर, सॉरी ये तीनों के अंदर ब्लू आएगा और ये तीनों में येलो आएगा, येलो यानी डिजास्टर और ब्लू यानी एक्सीडेंट।
उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको आपका नाम फिलअप करना है, डेट डेट टाइम और डिटेल लिखनी है। तो उसमें आपको ऐसे सम डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे आपको वो डिज़ास्टर हो तो यहाँ पे टिक करना है और एक्सीडेंट हो तो यहाँ पे टिक करना है, और उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर हुआ वो लिखना है, और उसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो लिखना है। तो यहाँ पे ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो स्टिक करना है कोई भी एक डिज़ास्टर या तो एक्सीडेंट का, जो आपने कहीं पे भी दिखा हो कोई भी चलेगा, तो वो फ़ोटो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो न्यूज़पेपर में से कहीं से भी। और उस पे जहाँ पे जो पेपर आपने यहाँ पे सॉरी जो डिज़ास्टर या एक्सीडेंट का फ़ोटो आपने यहाँ पे स्टिक किया हो उसके बारे में यहाँ पे सम डिटेल्स लिखनी है आपकी खुद की वजह से, या वर्कबुक में मैं आपको लिखाऊंगी, पर आपको यहाँ पे आपका खुद का एक्सपीरियंस या तो खुद का जो फ़ोटो के हिसाब से आपका खुद के क्या थिंक कर रहे हो उस फोटो से फ़ोटो के बारे में, और उसे ऑब्जर्व करना है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, टुडे स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है साइफ्लड साइक्लोन एंड टू स्लीप के बारे में। यहाँ पे उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट क्या करती है, क्या क्या रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस करती है, कैसे उसमें से बचते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप ये एक बार रीड करना, और अगर स्कूल स्टार्ट होगी तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सीडेंट के बारे में लिखना है, और कहाँ पे हुआ क्या करते हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या करते हैं वो भी लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नोट करनी है कि एक कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर या तो कुछ में भी आपको जो भी मिले, तो क्या कौन सी डिज़ास्टर एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, और ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा ये 15 चैप्टर डिज़ास्टर एंड रेस्क्यू यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है। वर्कबुक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।